आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल दलमा वन्य प्राणी आश्रणी में वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर कई जगहों पर पर्यटकों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आरओ लगाए गए हैं, जो आज बेकार पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार ओल्ड रेस्ट एलिफेंट पोस्ट में एक आरओ, संग्रहालय दलमा वन प्राणी आश्रणी में एक, वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट रेस्ट हाउस मकुला कोचा में एक, पिंडरावेरा वन विश्रामागार रेस्ट हाउस और न्यू रेस्ट हाउस के दो जगह पर एक एक आरओ लगाया गया है, ताकि पर्यटकों को यहां शुद्ध जल उपलब्ध हो सके, लेकिन ये आरओ बेकार पड़े हुए हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि सभी आरओ कुछ महीने पहले लगाए गए हैं, परंतु सभी जगह पर लगे फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं। दो बार विभाग द्वारा रिपेयरिंग भी कराया गया, लेकिन वो भी यूज नहीं हो पा रहा है। प्रतिदिन 1000 लीटर पानी टंकी में भरने पर शुद्ध पानी 10 से 13 लीटर मिल पाता है, बाकी पानी बर्बाद हो जाता है, जिससे पर्यटकों को भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए यहां पानी के दो बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक आरओ मशीन में प्रतिदिन दिन भर में 3000 लीटर पानी भरना पड़ता है, बदले में 39 लीटर शुद्ध पानी मिल पाता है, बाकी वेस्टेज पानी बहकर बाहर चला जाता है। दलमा वाइल्ड लाइफ के डीएफओ और डीसीएफ के प्रयास से 6 आरओ मशीन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के एक निजी कंपनी द्वारा महज कुछ महीने पूर्व ही लगाया गया था। दलमा वाइल्ड लाइफ में पहली बार ये आरओ लगाया गया, जिसकी लागत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आज 2 महीने के अंदर सभी मशीन खराब हो गए हैं। एक मशीन छोड़कर सभी आरओ मशीन डेस्क पड़े हुए हैं। प्रतिदिन दलमा भ्रमण करने दूसरे राज्य से जंगल प्रेमी, साथ ही जीव जंतु में रुचि रखने वाले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के साथ झारखंड राज्य के पर्यटक पहुंचते हैं। भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए इन्हें तरसते हुए देखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में बाहर से सामान ले जाने में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण पर्यटक पानी के लिए तरस जाते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक दलमा घूमने आते हैं। पर्यटकों के बड़े वाहन और बाइक से प्रतिदिन किलोमीटर की दर पर वन विभाग को 10 से 12 हजार रुपए रेवेन्यू मिलता है, और बदले में पानी भी विभाग उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। पिंडरावेरा रेस्ट हाउस में जब से आरओ लगा है, उसके पानी का सौभाग्य पर्यटकों को नहीं मिला है। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कारगर साबित हो रहा है आरओ मशीन। विभाग की उदासीनता के कारण पर्यटकों के लिए लाखों की मशीन हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग साबित हो रहे हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन के भीतर वन विभाग ने प्लास्टिक प्रतिबंध लगाया है, पानी बोतल प्रतिबंध लगाया है। इसीलिए पानी बोतल ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत पर्यटकों को दिक्कत होता है, और हम लोग भी कई दिन पहले हम लोग जंगल घूमने गए थे, हम लोग को भी पानी के लिए बहुत तरसना पड़ा। तो इस तरह का, लेकिन आरओ मशीन जहाँ 5-6 जगह लगा हुआ है, कलकत्ता से लाया गया है वन विभाग की ओर से, जहाँ जहाँ लगा हुआ है अभी डेथ मतलब मृत्यु की तरह पड़ा हुआ है, मतलब डेथ हुआ है मशीन सब। तो आए दिन देखा जाता है कि पर्यटक दलमा में आते हैं, तो इस तरह का व्यवस्था रहेगा तो हमको संभावना नहीं लगता है कि आने वाला दिन पर्यटक यहाँ दलमा में पर्यटन के लिए आ सकते हैं। विभाग को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। धन्यवाद। बच्चे हैं और वो टेंडर होकर के लगा, नहीं बोरिंग है, बोरिंग बाहर से भरना, क्योंकि उतना ज़्यादा फ्लो बाहर से नहीं आ पाएगा ना, बोरिंग है। देखिए क्या है कि उसका मेंटेनेंस का इशू होता है हमेशा, क्योंकि वो हाईली एडवांस है। सेक्रेटरी साहब ने विजिट किए थे तो वो भी बोले कि काफ़ी एडवांस है। जब आप उसका पानी पियेंगे तो वो आपको जैसे बोतल का मिनरल वाटर वगैरह पीते हैं, उससे अच्छा पानी है, तो एडवांस। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।